दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको जानकारी देंगे तुलसी के पौधे का धार्मिक, आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के बारे में। जिस घर में तुलसी के इस पौधे की स्थापना की जाती है, वहां घर नहीं एक देवालय हो जाता है। उस घर में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति, समृद्धि भी आती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। यदि उस घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो उसका भी निवारण हो जाता है। अर्थात तुलसी का पौधा सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु बल्कि आयुर्वेदिक महत्व से भी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। आबो हवा के साथ साथ यह सेहत के लिए भी लाभकारी है। तुलसी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं तुलसी के महत्व को। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी का नियमित सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में पवित्रता, मन में एकाग्रता और क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। आलस्य दूर हो जाता है। शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ तक कहा गया है कि औषधीय गुणों की दृष्टि से यह संजीवनी बूटी के समान है। तुलसी का संस्कृत में एक नाम हरिप्रिया भी है, अर्थात जो हरि यानी भगवान विष्णु को प्रिय हैं। कहते हैं औषधि के रूप में तुलसी की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का संताप दूर हुआ था, इसलिए तुलसी को यह नाम दिया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी की पूजा आराधना से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। नियमित रूप से तुलसी पर दीपक जलाएं, घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों, दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत की बूंदें धरती पर पड़ी, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि इस पौधे के हर हिस्से में अमृत समान गुण हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे के जड़ में सभी तीर्थों का वास है, मध्य भाग में सभी देवताओं का वास है और ऊपरी भाग में सभी वेद यानी चारों वेदों का वास है। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जहाँ तुलसी का एक पौधा होता है वहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक नाश हो जाता है, व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा सकते, अर्थात उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी विधान नैवेद्य न हो, कोई भी सामान न हो, केवल तुलसी दल का एक पत्ता हो, वह अगर अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जब हनुमान लंका भ्रमण कर रहे थे तो लंका में विभीषण के घर पर तुलसी का पौधा देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और रामचरित्र में इसका वर्णन है कि नामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। यही कारण है कि हनुमान जी ने विभीषण के महल को छोड़कर पूरी लंका का दहन कर दिया। मान्यता है कि जिस मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी के अग्नि से किया जाता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। प्रचलित परंपरा के अनुसार मृत शैया पर पड़े व्यक्ति को तुलसी दल युक्त जल सेवन कराया जाए तो वह मोक्ष को गामी होता है, क्योंकि हिंदू विधान में तुलसी की शुद्धता सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी को संस्कृत में एक नाम वृंदा भी कहते हैं। प्राचीन भारत में मथुरा के आसपास कई योजन में फैला इसका एक विशाल वन है, जिसे वृंदावन कहते हैं। वृंदा यानी तुलसी से प्रेम होने के कारण द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में यहाँ पर आते हैं और उनका नाम वृंदावन बिहारी भी इसीलिए पड़ा। आज हमने आपको तुलसी के महत्वपूर्ण गुणों के बारे में जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा निवेदन आपसे है कि कृपा करके हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ज्योतिष, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, जन्मपत्र के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, बहुत जल्दी आपके समक्ष
दूसरे नए वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।